पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अपने ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिर गई है। इस फिल्म की रिलीज पर कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश में बैन लगा दिया गया है। इस फिल्म को रिलीज ना करने का फैसला राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। वहीं अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस पर बैन लगने का संदेह है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस ने फिल्म को रिलीज से पहले देखने की मांग रखी है। संगठन के अध्यक्ष सत्यजीत तांबे का कहना है कि फिल्म से विवादित सीन को हटाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो यूथ कांग्रेस देश में कहीं भी फिल्म रिलीज नहीं होने देगी। हिमानी उप्रेती, नवोदय टाइम्स।